आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने कुछ समय पहले इनके बारे में सुना भी होगा। इनकी कुछ समय पहले हत्या कर दी गई थी और याद रखिए गौरी लंकेश एक पत्रकार थी। और आप सोचिए कि इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में कोई अधिकारी हो या फिर कोई पत्रकार हो सरकारों का या नेताओं का गुलाम बन जाता है। जो नेता आप देखते हैं जो पत्रकार या अधिकारी नेताओं के गुलाम नहीं होते हैं नेताओं के पक्षकार नहीं होते उन्हें या तो जेल में डाल दिया जाता है या फिर आप देखते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। तो हम लोग आज क्या करेंगे कि गौरी लंकेश के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग कम से कम गौरी लंकेश के बारे में जान सकेंगे और ईमानदार पत्रकारों के बारे में आप जान सकेंगे कि जिन्होंने आप देखे कि एक तरह से हत्या उन्हें आप देखे कि जो निर्भीक रूप से या निष्पक्ष तरीके से अपनी पत्रकारिता करते हैं उन्हें पता रहता है कि इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा लेकिन फिर भी आप देखिए अपनी जान की एक तरह से बिना परवाह किए अपनी जो कर्तव्य है उसे निभाते रहते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख भी रहे होंगे वरना आप देखिए आज की सरकारों में तो अधिकतर पत्रकार गुलाम बन जाते हैं अधिकतर अधिकारी गुलाम बन जाते हैं और जो अधिकारी गुलाम नहीं बनते हैं जो पत्रकार गुलाम नहीं बनते हैं उनका क्या स्तर होता है आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख भी सकते हैं एक कौन है गौरी लंकेश। अगर हम लोग इनकी बात करें तो आप देखेंगे इनका नाम गौरी लंकेश और इनका जन्म होता है 29 जनवरी 1962 को और 1962 की डेट आप लोगों को याद होगी भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और इनका जन्म होता है बेंगलोर मैसूर राज्य भारत में। कहां होता है इनका जन्म होता है बेंगलोर में। आप लोग जानते हैं बेंगलोर देख लीजिए बेंगलोर को यहां आप देख भी रहे होंगे कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और कर्नाटक से लगे हुए अगर राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे गोवा हो गया महाराष्ट्र हो गया तेलंगाना हो गया आंध्र प्रदेश हो गया तमिलनाडु हो गया केरल हो गया इन सब से सीमा लगती है किसकी कर्नाटक की बात कर रहा हूं। और इनके अगर हम लोग पिता की बात करें तो आप देखेंगे पी लंकेशो इनके पिता का नाम और माता की बात करें तो इंदिरा लंकेश इनकी माता का नाम था। जीवन साथी यानी कि पति की बात करें तो चिदानंद राजघट्टा इनके पति थे ठीक है। और शिक्षा की बात करें अगर हम लोग तो भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से इन्होंने शिक्षा ली हुई थी और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो स्नातक थी। क्या थी स्नातक थी आप सभी लोग 12वीं करते हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि आप लोग स्नातक करते हैं तो इन्होंने स्नातक की हुई थी। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं पत्रकार थी और सामाजिक कार्यकर्ता थी यानी कि समाज के मुद्दों को उठाते रहना उन्हीं लोगों को एक तरह से जो समाज के लिए काम करते रहते हैं उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता भी कह देते हैं। अगर हम लोग इनके शौक की बात करें तो पढ़ना इनका शौक था और पसंदीदा अभिनेता की बात करें तो महेश बाबू आप लोगों में से कई लोग महेश बाबू को पसंद भी करते होंगे साउथ के सुपरस्टार हैं एक तरह से। पसंदीदा अभिनेत्री की बात करें तो हर्षिका पुनाचा इनकी पसंदीदा एक्टर्स थी और पसंदीदा फिल्म बॉलीवुड की बात करें तो ओमकारा और हॉलीवुड मूवी की बात करें तो सिटीजन कैन इनकी प्रसिद्ध यानी कि पसंदीदा मूवी थी फिल्में थी। और पसंदीदा अगर हम लोग टीवी शो की बात करें तो बॉस्टन लीगल इनका पसंदीदा टीवी शो था। और पसंदीदा किताबों की बात करें तो एक द केचर इंदा राई जेडी सलेंगर के द्वारा ये लिखी गई थी और दूसरी बुक्स का नाम था टू किल अ मॉकिंग वर्ड ये किसके द्वारा लिखी गई थी हार्पर ली ये इनकी पसंदीदा किताबें हैं। आप भी तो देखते हैं ना कि आप लोग भी पसंदीदा किताबें पढ़ते रहते हैं कोई महात्मा गांधी को पढ़ता रहता है कोई विवेकानंद की आत्मकथा पढ़ता रहता है तो एक तरह से आप कह सकते हैं। और पसंदीदा लेखक की बात करें तो विदेही ललिता नायक बानो उस्तादी इनके फेवरेट लेखक हैं। और पसंदीदा पत्रकार की बात करें तो सेवाओं बेज ए इनके पसंदीदा पत्रकार हुआ करते थे। और इनके अगर हम लोग पत्रकारिता के जीवन की बात करें तो कन्नड़ साप्ताहिक अखबार लंकेश पत्रिके की वह संपादक भी रही हैं और इसे आपको बता दूं कि जो लंकेश पत्रिके थे ये इनके पिता पी लंकेश ने शुरू किया था ठीक है। और 1962 में जन्मी गौरी लंकेश ने अपनी करियर की शुरुआत बेंगलुरु में टाइम्स ऑफ इंडिया से की थी और कुछ समय के बाद वह दिल्ली आ गई और फिर वापस बेंगलुरु लौट गई। पहले उन्होंने बेंगलुरु में टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया उसके बाद वो दिल्ली आती है और कुछ समय दिल्ली में रहती है उसके बाद वो दोबारा
बेंगलोर लौट जाती है। और बता दूं कि आपको वहां भी क्या करती है, संडे मैगजीन के साथ 9 वर्षों तक वो काम करती है। और सन 2000 में जब उनके पिता की मौत हो जाती है तब वो एनाडू के तेलुगु चैनल के लिए काम कर रही थी। जब इनके पिता की डेथ होती है तो वो एनाडू के तेलुगु चैनल के लिए काम कर रही थी उस समय। और रेडिक कॉन ने 15 मार्च 2000 को गौरी लंकेश का एक इंटरव्यू प्रकाशित किया था। और इंटरव्यू में गौरी लंकेश ने कहा था कि अपने पिता की मौत के बाद अपने भाई इंद्रजीत के साथ वह लंकेश पत्रिके के प्रकाशक मणि से मिली और प्रकाशन बंद करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने से मना कर दिया। और तब वह गौरी लंकेश साप्ताहिक अखबार की संपादक बनी और उनका भाई इंद्रजीत इसका बिजनेस देखने लगा। और लेकिन आपको बता दूं कि कुछ समय के बाद इनके भाई और इनके बीच कुछ विवाद होता है। और सन 2001 से ही गौरी और इंद्रजीत के अखबार की आइडियोलॉजी को लेकर कई लोग सवाल भी उठाने लगे थे। और साल 2005 में यह मतभेद उस समय लोगों के सामने आया गया जब नक्सली हमले से संबंधित एक रिपोर्ट में गौरी के खिलाफ मामला पुलिस में चला गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि गौरी लंकेश नक्सलियों की एक तरह से उनके फेवर में बोलती थी, लिखती थी, ठीक है। और इन्हें कई लोग एक तरह से कट्टर हिंदुओं के खिलाफ भी बोलती थी, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ थी ये। और इसके बाद क्या होता है कि गौरी लंकेश अपने भाई से अलग हो जाती हैं और कन्नड़ में ही अपनी साप्ताहिक अखबार गौरी लंकेश पत्रिका का प्रकाशन करने लगती हैं। और गौरी लंकेश पर शुरू से ही नक्सल समर्थक और हिंदुत्व विरोधी होने के आरोप भी लगते रहे, समझ रहे हैं आप लोग। और अगर हम लोग इनकी राजनीतिक विचारधारा की बात करें, विचारधारा की, तो गौरी वामपंथी विचारधारा के निकट थी और वे दक्षिण पंथियों की कड़ी आलोचना भी करती थी और वे सत्ता विरोधी स्वयं का प्रतिनिधित्व करती थी और वे सरकार से त्रस्त लोगों की पीड़ा को अपनी पत्रिका में सौंप देती थी। और याद रखिए पत्रकारों का यही कर्तव्य होता है। और आप लोग कहते भी तो हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं आप लोग मीडिया को। देखिए सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस की हो या फिर अभी आप देखिए वर्तमान बीजेपी की हो, पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, ना कि एक तरह से आप देखिए सरकारों के चमचे बनना। और बहुत से लोग गौरी की हत्या का कारण उनकी विचारधारा को लेखन को मानते थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनकी विचारधारा को ही, जो विचारधारा इनकी थी उसी को लेकर कई लोग कहते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। हत्या होने से पहले लिखे गए आखिरी संपादकीय में गौरी ने हिंदुत्ववादी संगठनों एवं संघ की झूठे समाचार बनाने और लोगों को फैलाने के लिए आलोचना भी की थी। और उन्होंने लिखा था कि इस हफ्ते के अंक में मेरे दोस्त डॉक्टर वासु ने गोवल्स की तरह इंडिया में फेक न्यूज बनाने की फैक्ट्री के बारे में लिखा और झूठ के ऐसे कारखाने ज्यादातर मोदी भक्त ही चलाते हैं और झूठ के कारखाने से जो नुकसान हो रहा है मैं उसके बारे में अपने संपादकीय में बताने की प्रयास करूंगी। और अभी परसों ही गणेश चतुर्थी वाले चतुर्थी थी, उसने सोशल मीडिया में एक झूठ फैलाया गया, फैलाने वाले संघ के लोग थे। और ये झूठ क्या है? झूठ ये कि कर्नाटक सरकार जहां बोलेगी वहीं गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है और उसके पहले 10 लाख जमा करना होगा। मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी इसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। दूसरे धर्म के लोग जहां रहते हैं उन रास्तों से विसर्जन के लिए नहीं ले जा सकते हैं और पटाखे बगैर नहीं छोड़ सकते हैं। और संघ के लोगों ने इस झूठ को खूब फैलाया। ये झूठ इतना जोर से फैल गया कि अंत में कर्नाटक की पुलिस प्रमुख आर के दत्ता को प्रेस बुलानी पड़ी थी और अपनी सफाई भी देनी पड़ी थी। सरकार ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया, ये सब झूठ है। तो इस तरह की आप देखिए कि आप लोग अगर सरकार के विरोध में लिखते हैं और सच्चाई लिखते हैं तो आप देखिए आपको मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग। और इसीलिए आप देखिए कि एक तरह से अधिकतर भक्त बन जाते हैं क्योंकि भक्ति में आप देखिए काफी फायदा मिलता है। बस इतिहास का जब मूल्यांकन होता है तो आप सभी लोग जानते हैं इस बात को क्या होता है, सच उस समय जरूर निष्कर्ष निकलता है। आप सभी लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा होगा, सिंधिया घराने के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में पढ़ा होगा। आपको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई को उस समय देशद्रोही, आतंकवादी, पता नहीं कौन कौन से शब्द उन्हें के लिए उपयोग किए जाते थे। लेकिन आज आप देखिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद हम उनकी पूजा करते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को देखिए, इन्हें उस समय कौन कौन से शब्दों से नवाजा गया, लेकिन आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो याद रखिए जो हम आज कर्म करते हैं वही हमारे लिए आने वाले समय में
निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारे सही थे हम या गलत थे। अगर हम लोग गौरी लंकेश से जुड़े विवाद की बात करें तो नवंबर 2016 में उन्हें भाजपा सांसद प्रहलाद जोशी से जुड़े एक मामले में मानहानि का दोषी पाया गया था और उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी और उसी दिन उन्हें जमानत भी मिल गई थी, तो इसके कारण काफी विवाद में रही थी। अगर हम लोग हत्या की बात करें कि गौरी लंकेश की हत्या आखिर कब हुई थी, तो 5 दिसंबर 2017 को वे जब बेंगलोर के राजेश्वरी नगर स्थित अपने घर लौट रही थी और दरवाजा खुल रही थी, तब हमलावरों ने उनके सीने पर 2 और सिर पर 1 गोली मार दी थी और इससे क्या हुआ था कि उनका ऑन द स्पॉट यानी कि तत्काल डेथ हो गई थी, उसी समय मौत हो गई थी। तो ये कहानी है गौरी लंकेश की और आप लोग समझ सकते हैं कि देखिए ये मुझे लगता है कि बताने की जरूरत भी नहीं है हमारे देश की अभी क्या परिस्थिति बन चुकी है, आज का क्या समय बदल चुका है, आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और पत्रकारों के बारे में बात करेंगे और मुझे लगता है कि अभी जितने पत्रकार हैं और या इससे पहले रहे हैं उनके एक एक करके सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, इससे आप लोगों को क्या होगा कि मालूम तो चल सकेगा कि हमारे देश में किस किस तरह की हस्तियां रहती हैं। ठीक है,